अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर मिसबा नूर। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सब्ट्रैक्शन से। आज के इस लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। लास्ट लेक्चर में भी हमने काफ़ी सब्ट्रैक्शन की है, तो होपफुली आपको सब्ट्रैक्शन आ गई होगी। आज के इस लेक्चर में भी हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर 60 से। पेज नंबर 60 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा नाउ कंप्लीट दिस। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका 4000, 4000 या 1823। क्या करना है आपने? 4000 को सब्ट्रैक्ट करना है 1823 में से। क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी वन से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे आपकी क्या वैल्यू है? 0 माइनस 3। 0 में से 3 माइनस करेंगे। 0 में से 3 माइनस नहीं होता, क्योंकि जो आपके नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है और 0 छोटा है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। आपके सारे 0 हैं, तो सबसे पहले हमने 4 से फर्स्ट 0 में कैरी लिया, वो 10 हो गया। 10 से हमने नेक्स्ट 0 में कैरी लिया, प्रीवियस वाला 9, नेक्स्ट 10। अब क्या करेंगे, इस 0 में से लास्ट 0 में कैरी लेंगे। कैरी लिया, प्रीवियस जो था वो 9 बन गया और नेक्स्ट 10 हो गया। 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 1 2। आपने जब इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आंसर आता है? 2177। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3000 माइनस 1962। 3000 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1962 को। सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। फर्स्ट पे सबसे पहले कैरी लेंगे, अपनी वैल्यूज को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस टू वैल्यूज जो हैं वो 9 हो गई हैं और लास्ट वैल्यू 10। 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 6 10, 9 में से प्रीवियस वाली तो हमारी वैल्यू थी वो 9 बन गई थी। 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 1 1। आपका आंसर क्या आया इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 1038। नेक्स्ट है हमारा 6000 माइनस 3485। 6000 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3485 में से। जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चंस किए हैं, सेम इसी तरह अपने जीरोस को टेंस में कन्वर्ट करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट जीरो जो था वो 10 बन गया था। 10 में से आपने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दिया, वो 10 बना, प्रीवियस 9 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट जीरो को आप कैरी देंगे, नेक्स्ट वाला जो था वो 10 हो गया और प्रीवियस वाला 9। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 3 2। आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर क्या आता है? 2515। नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, नेक्स्ट क्या है आपका? 2000 माइनस 981। 2000 में आपने 981 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? आपने कैरी लिया, प्रीवियस टू वैल्यूज 9 हो गई और लास्ट वाली 10। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0। यहाँ से जब हमने 2 से कैरी लिया था तो हमारे पास क्या बचा था? 1। 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा। आंसर क्या आता है हमारा? 1019। बाकी के चार क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। स्टूडेंट, आपने इस लेक्चर को 2 से 3 बार अच्छी तरह सुनना है, इसको समझना है। कुछ समझ नहीं आती या इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और स्टूडेंट, इस लेक्चर के हवाले से आपको एक क्विज भी दिया जाएगा। उस क्विज की टाइमिंग अगले दिन सुबह 9 बजे की है। वो क्विज आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपने लेक्चर नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले आपने इस लेक्चर को सुनना है, उसको समझना है और फिर उस क्विज को सॉल्व करना है। थैंक यू।